से आज का टॉपिक है आपकी त्वचा को हर वक्त यंग कैसे दिखाएं। तो आपको मैं बता रही हूँ, मेरी उम्र अभी 43 है। मैं मेरे हिसाब से आपकी मेरे स्किन की देखभाल अच्छी तरह करती हूँ। सुबह में कोई भी क्रीम या सोप यूज नहीं करती, कच्चे दूध से ही मेरा फेस क्लीन करती हूँ क्योंकि रिंकल कम आते हैं इससे और स्किन भी अच्छी दिखती है। एज के हिसाब से क्या होता है कि लेडीज के इधर बहुत रिंकल आने लगते हैं, तो वो उससे मसाज किया अच्छे क्रीम से अपने, तो वो भी कम हो जाते हैं। कभी कभी डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं आइस के इधर पूरे, उसका भी मसाज किया तो स्किन अच्छी दिखती है। अभी मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ। कोई कोई लेडीज का क्या होता है कि कभी बाल भी कम हो जाते हैं सिर के एज की वजह से, तो उसको भी हेड मसाज करना जरूरी है। आपको महीने में आपको हेड मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल अच्छे रहते हैं और बाल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। मैं अभी आपको पॉइंट में बता रही हूँ कि शुरुआत मैं फोरहेड से करती हूँ कि फोरहेड पे जो टैनिंग होती है, ज़्यादा कालापन आ जाता है, रिंकल आ जाता है, तो वो भी कम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आईज, आईज के नीचे जो डार्क सर्कल आते हैं उसको भी मसाज करनी चाहिए। ऑयल से करो, सीरम से करो, जिसको जो सूट हुए वो आप कर सकते हो। और तीसरा मेन पॉइंट आता है नोज के इधर, इधर भी रिंकल बढ़ने लगते हैं, तो इधर भी आप जेंटली थोड़ा मसाज कर सकते हो। फिर चीन आती है, चीन का भी आप मसाज कर सकते हो बाद में नेक का, ये सब आपको करना जरूरी है। तो आप सुबह शाम दोनों टाइम पहले तो स्किन को आप फ्रेश रखो। सुबह उठे आप पानी पियो, ज़्यादा पानी पीने से स्किन ग्लोइंग करती है, चमकती है और स्किन अच्छी भी दिखती है। तो आपको थोड़ा सा खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए और मंथली फेशियल तो करना ही है आपको। फेशियल से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन ग्लोइंग करने लगती है और स्किन पर रिंकल कम आते हैं। ये तो आपने सुना, ये तो मैंने बाहर से सुना हुआ है कि वो क्या लगाते हैं क्या नहीं, पर मेरा रूटीन आप सुनो मैं क्या करती हूँ सुबह से। सुबह तो मैं उठते ही पानी पीती हूँ, गर्म पानी, खाने पीने पर ध्यान देती हूँ, सब मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये सब रूटीन से करती हूँ। मेरी जो स्किन के बारे में लोग लेडीज बोलती है कि आपकी स्किन ग्लोइंग करती है, पर मेरा सुबह का नाश्ता अलग रहता है, मेरा खान पान अलग रहता है। मैं ऐसे कोई चीज़ें नहीं खाती कि जो स्किन को ये करे। ऑयल कम खाती हूँ, घी का ज़्यादा प्रयोग करती हूँ और पेट को हमेशा साफ रखती हूँ। जैसे कि मुझे कुछ भी ऐसा दिखने लगा कि नहीं अभी पिंपल्स आने लगे तो मैं खाने में तुरंत चेंज कर लेती हूँ, ऐसा तला हुआ ये कुछ नहीं खाती और स्किन को हमेशा अच्छी रखती हूँ। सुबह तो उठते उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ, उससे पेट अच्छा साफ हो जाता है और स्किन भी अच्छी दिखती है। तो आप सब लेडीज को भी ये करना चाहिए कि नहीं, खाने से कुछ नहीं होता। कोई कोई चीजें क्या करती है स्किन को डैमेज कर देती है, जो ऑयली खाते हैं फूड। मैं हमेशा अपने स्किन को ऐसे घर के कोई भी नुस्खे करती रहती हूँ। ज़्यादातर तो मैं क्या करती हूँ, चावल को भिगो के रखती हूँ, उसका भी पानी लगाती हूँ, उससे भी स्किन ग्लोइंग दिखती है और अच्छी शाइनिंग आती है। कभी कभी मैं बीट का जूस निकालती हूँ, वो भी स्किन को लगाती हूँ, तो उससे भी स्किन अच्छी शाइनिंग करने लगती है और अच्छी दिखती है। आप लोगों को मालूम होगा कि बीट का जूस पीने में थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा नहीं लगता, तो उसके भी मेरे पास है कोई ऐसे रीजन कि उसमें आप नींबू डाल के थोड़ी सी शक्कर डाल के उसको अच्छा मीठा बनाकर पी सकते हो और इससे स्किन इतनी ग्लोइंग करती है। आप 8 दिन में पी के देखो, आपको समझ में आएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग दिख रही है, आपके पूरे पिंपल्स डार्क सब चले जाते हैं और स्किन चमकने लगती है। तो आप ऐसे पी सकते हो उसको, वो बहुत अच्छा रहता है, आपको आयरन की कमी भी नहीं रहेगी, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और एक नुस्खा और बताती हूँ कि आपके बाल भी बढ़ने लगेंगे, इसका बहुत फायदा है। तो आप करो एक बार और देखो कि 8 दिन में आपको क्या फर्क आता है क्या नहीं।